और जो जो भाव अच्छो सो करवाओ हमने हैं, और जो जो भाव खराब सो दूसरों के मुड़े मड़ो है, और 30 साल पहले जेकू जहां खड़ो तो आज भी देखो सो जंग के तही खड़ो है। राम राम बोल, राम राज्य तो लाने से रहे, राम की प्रजा ही अब राम राम बोल रही। बुंदेलखंड है अखंड वीर इतने प्रचंड, एक बार मैं ही गर्दने हजार काटी है। नमस्कार, मैं कवि तेज प्रताप चौबे गढ़ाकोटा जिला सागर से आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ, तत्पश्चात मेरे बड़े भाई आदरणीय वरुण प्रधान जी और दीदी ओसी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे प्रधाननामा परिवार में शामिल करने का अवसर प्रदान किया। बात मेरे परिचय की जाए तो वर्तमान में मैं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में LLB का छात्र हूँ, और आगे बात मेरी लेखनी की यात्रा की जाए तो आज से 4-5 वर्ष पूर्व, पहले हम सिर्फ श्रोता थे, सुना करते थे, हाँ लेकिन मंच पर संचालन किया करते थे, दूसरों बड़े कवियों की कविताओं का प्रयोग कर उनको पढ़ा करते थे। फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि क्यों नहीं हम भी कुछ इस प्रकार से करें, हमने भी लिखना चालू किया, फिर अध्ययन चालू किया, अध्ययन किया, पढ़े, फिर लोगों के मिले जुले, उनको सुनाया, उनको बताया कि इस प्रकार का हम लिख रहे हैं। फिर उन्होंने हमें बताया कि इसमें भी बहुत सारे रूल्स रहते हैं, उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो फिर उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए हमने उन पर काम करना चालू किया, फिर आगे काम करते गए, मंच आए, पढ़ना चालू किया, और अनवरत अग्रसर सीखना ही मेरा एक प्रयास है। कोई कवि वगैरह तो अभी नहीं है, नवोदित कवि हैं और एक उत्कृष्ट शिक्षार्थी हैं, प्रयास कर रहे हैं, रोज कुछ नया सीखने का, नया पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वीरभूमि बुंदेलखंड से मैं आता हूँ, तो सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ प्रयास है, बुंदेलखंडी में मैंने कुछ छंद लिखे हैं, वो आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। वर्तमान परिवेश में जैसा कि हम देख रहे हैं, आज का युवा या बुंदेलखंडी में बोला जाए तो आजकल की लड़क दौर का कर रही, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक छंद लिखा है, आप सभी को सुनाता हूँ कि आजकल के लड़का ऐसे उभरा रहा है, देखो है नैया गुंजाइश, खावे खो कमावे खो, और गर्रावे कैदे सो गर्रा रहा है दिन रात। आजकल के लड़का ऐसे उभरा रहा है, देखो है नैया गुंजाइश, खावे खो कमावे खो, और गर्रावे कैदे सो गर्रा रहा है दिन रात। दिखावा कर रहा है जे लड़का जमाने खो, और बहुदद्दा मांग रहा है सो नैया दो पैसा, और ब्याज पे ले रहा है पैसा मोड़ी घुमावे खो, और को ने कैदे कारे दुबरे से हो रहे हो सो कह रहा राम गुरु है नैया खावे खो, राम गुरु है नैया खावे खो। मैं मेरे खेत पर उपस्थित था, वहां पर एक मजदूर से मैंने पूछा कि क्यों दादा इस बार चुनाव में किसको वोट दोगे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि गुरु हमारे बब्बा भी किसानी करत मर गए, हम भी किसानी करत मरे जा रहे, और हमारा मोड़ा भी किसानी कर रहा हो, 30-35-40 साल से देख रहे हैं, जैसे हते जैं के तई हैं, पहले भी परेशान हते आज भी परेशान रह रहे हैं। तो मैंने फिर दादा के मन में क्या रहा होगा, मैं बुंदेली छंद के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बन गया बंगला और चमक गई रोडें, चौतरपा तो झंडा सो तो नहीं को गड़ो है, जेने करी चापलूसी सो मिलो खूब प्रसाद, और गरीबों हो सोई देखो द्वारे ओंदो गड़ो है, गरीबों को सोई देखो द्वारे ओंदो गड़ो है, और जो जो भाव अच्छो सो करवाओ हमने हैं, और जो जो भाव खराब सो दूसरों के मुड़े मड़ो है, और 30 साल पहले जेकू जहां खड़ो तो आज भी देखो सो जंग के तही खड़ो है, 30 साल पहले जेकू जहां खड़ो तो आज भी देखो सो जंग के तही खड़ो है। अब मैं अपने रंग में आता हूं, सुनिएगा, वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं कि आज के युवा का क्या दायित्व है और तरुणाई का कर्तव्य क्या है और वो कर क्या रहा है। हमारे जो वीर शहीद हुए,
कुछ भी हुआ होगा, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रकार के भारतवर्ष की कल्पना कर कर तो वो शहीद नहीं होंगे जिस प्रकार का भारतवर्ष आज हम और आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं। सुनिएगा कि गोपियों के गुणगान गुनगुना रहे सभी, क्या देश के लिए भी कोई जाबाज जिंदा है, और हिरनी के हीर बने हिनहिना रहे सभी, हरी के हरी से कुछ चंद ही परिंदा हैं, और चल चित्र चम चम चिलचिला रहे सभी, युवा चरित्र चंद प्रवीण चुनिंदा हैं, और हुए शहीद सैनिक मातृभूमि के लिए जो, वीर वो भगत से हैं आज भी शर्मिंदा हैं, वीर वो भगत से हैं आज भी शर्मिंदा हैं। आज जैसे जिस प्रकार का माहौल हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, राम मंदिर का निर्णय आ चुका है, शिलान्यास हो चुका है, लेकिन मध्यम वर्ग पहले भी परेशान था, आज भी परेशान है। जो करोड़पति हैं वो उनकी लाइफ जिस प्रकार से चल रही थी सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन मध्यम वर्ग पहले ही परेशान था, आज ही परेशान है। एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, एक छंद के माध्यम से आप सभी तक पहुँचना चाहता हूँ। सुनिएगा कि राम राम बोल राम मंदिर तो बना लिया, बोले द्वार सब राम कृपा ही खोल रही। राम राम बोल राम मंदिर तो बना लिया, बोले द्वार सब राम कृपा ही खोल रही। राम का चित्र और चरित्र तो चिपकाया खूब, राम की उदारता तो बस गोल रही। और देश के जवान और किसान सब रो रहे, देश के जवान और किसान सब रो रहे, राम भक्त से ही राम पाल की डोल रही। और राम राम बोल राम राज्य तो लाने से रहे, राम की प्रजा ही अब राम राम बोल रही। राम राम बोल राम राज्य तो लाने से रहे, राम की प्रजा ही अब राम राम बोल रही। तो झूठे हैं ये सारे वादे, झूठी हैं ये कसम, मैं भी नेता, अब हमको तो कामगार चाहिए। और ना ही कोई रैलियां और ना ही कोई बैठक है, नेता अब हमको तो मददगार चाहिए। और काटे शीश द्रोहियों के फेंके मुंड सागर में, काटे शीश द्रोहियों के फेंके मुंड सागर में, नहीं अब हमें कोई कारागार चाहिए। और वोट से नहीं भरे जो केवल पेट अपना, युवाओं के लिए अब रोजगार चाहिए। वोट से नहीं भरे जो केवल पेट अपना, युवाओं के लिए अब रोजगार चाहिए। मैं इंदौर विश्वविद्यालय में उपस्थित था, वहां पर कवि सम्मेलन में मेरे एक मित्र जो जबलपुर से आते हैं वो मुझे मिले, तो हम दोनों बुंदेलखंडी में वार्तालाप करने लगे। तो वहाँ पर उपस्थित एक व्यक्ति ने हमें टोका और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आप बुंदेलखंडी में बात कर रहे हैं। तब मैंने उनसे कहा कि जहाँ पर महाराजा छत्रसाल, रानी दुर्गावती और महारानी लक्ष्मीबाई जैसे ना जाने कितने वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया और देश के लिए शहीद हो गए, ऐसी वीर बुंदेलखंडी माटी पर मुझे गर्व है। यह शर्म की बात नहीं है कि मैं बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ या मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, मुझे गर्व है कि यह बुंदेलखंड है। तब मैंने एक छंद लिखा, मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि छत्रसाल का है भाला, भाले से कटे हैं शीश, शीश ना झुकाया कभी ऐसी परिपाटी है। छत्रसाल का है भाला, भाले से कटे हैं शीश, शीश ना झुकाया कभी ऐसी परिपाटी है। बुंदेलखंड है अखंड वीर इतने प्रचंड, बुंदेलखंड है अखंड वीर इतने प्रचंड, एक बार मैं ही गर्दने हजार काटी है। कायरों की फौज हम नहीं यहाँ पालते हैं, रणवाखरों के बलिदान की ये घाटी है। और देश के लिए शहीद हुई बेटियां यहाँ की, ऐसी वीर भूमि मेरी बुंदेली माटी है। देश के लिए शहीद हुई बेटियां यहाँ की, ऐसी वीर भूमि मेरी बुंदेली माटी है। जैसा कि हम देखते हैं और आप भी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि मित्र का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि मैंने कहीं दो पंक्तियां लिखी हैं, बहुत बारीक धागा आप सभी के समक्ष रखता हूं, सुनिएगा। कि जिंदगी इत्र है तो मित्र फूल, जिंदगी इत्र है तो मित्र फूल, और बिना फूल के इत्र नहीं बनता, बिना फूल के इत्र नहीं बनता। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मित्र की कितने महत्वपूर्ण हैं, मित्र की कितनी जरूरत है, एक मुक्तक आप सभी के समक्ष रखता हूं, सुनिएगा। कि इस दुनिया में सबसे सुंदर सिर्फ यारी है, इस दुनिया में
सबसे सुंदर सिर्फ यारी है भानुसी अखंड, और चांद से भी प्यारी है, और जब भी वक्त आए तो आजमा लेना दोस्त, ये दिल भी तुम्हारा और ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा और ये जान भी तुम्हारी है। मैंने एक रचना लिखी जिसका शीर्षक होता है मित्र उपदेश। यदि हमारे मित्र अच्छे हैं तो आपके जीवन को वो फर्श से अर्श तक लेकर जा सकते हैं, और यदि आपके चारों तरफ मित्र अच्छे नहीं हैं तो वो आपकी जिंदगी को अर्श से फर्श पर भी ला सकते हैं। यह रचना कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो कृपया ध्यान से सुने, और मेरा प्रयास मैं आप सभी के समक्ष रखता हूं कि हमारे पास सब कुछ उपस्थित रहता है, चुनाव हमें करना है। सुनिएगा कि आएंगे कुछ अवरोध बनकर पथ से तुम्हें भटकाएंगे, आएंगे कुछ अवरोध बनकर पथ से तुम्हें भटकाएंगे, दिन भर दिखाएंगे चलचित्र और रात रात भर घुमाएंगे, कहेंगे आओ बैठकर मौज करें और हम सब मदिरा पिएं, अभी यही तो दिन है जिंदगी के, क्यों ना इन्हें खुलकर जिएं, फिर तुम्हारा मस्तिष्क भी हृदय के द्वार झटपट खोलने लगेगा, और देख कर कन्याओं को यह मन भी तुम्हारा डोलने लगेगा, देख कर कन्याओं को यह मन भी तुम्हारा डोलने लगेगा। अब मैं अपने रंग में आता हूं, सुनिएगा कि एक ओर है व्यक्ति और देखो एक ओर व्यक्तित्व खड़ा है, एक है चरित्रहीन और एक अपने ही चरित्र से बड़ा है, एक कर रहा अय्यासी लेकर संपूर्ण रकम अपने बाप से, एक जी रहा है जीवन संघर्ष से तप से और अपने माप से, लेकिन यह निर्णय सिर्फ तुम्हारा है कि चुनना क्या चाहते हो, और नाग फणी और पुष्प में से आखिर तुम बुनना क्या चाहती हो, नाग फणी और पुष्प में से आखिर तुम बुनना क्या चाहते हो। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा कि जो तुम्हारे पौरुष को नकारे उनसे सदा बच कर चलो, भविष्य तुम्हारा है उज्जवल, मत इस गंधे सांचे में ढलो, करो कुछ ऐसा लोग सुनाए प्रेरणा की कहानी तुम्हारी, बेश कीमती है यह मत बर्बाद करो जवानी तुम्हारी, मित्र वह ही श्रेष्ठ जो कुल से नहीं चरित्र से बड़ा हो, लाख हो परिस्थितियां विषम लेकिन सर्वदा समकक्ष खड़ा हो, और मित्रता केवल उसकी भली जो तुम्हें शिक्षा का उपदेश दें, मार्ग सदा सत्य का दिखाएं और चलने का निर्देश दें, मार्ग सदा सत्य का दिखाएं और चलने का निर्देश दें। एक मुक्तक और मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। वर्तमान परिवेश में जैसा कि हम देख रहे हैं, देश के अंदर रहने के बाद भी जो जयचंदों का काम कर रहे हैं, हमसे कहा गया कि हम असहिष्णु हो रहे हैं। मैं उन तक चार पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं कि कुकृत्य करने वालों के प्रशंसक नहीं है, कुकृत्य करने वालों के प्रशंसक नहीं है, श्री राम के हैं वंशज हिंसक नहीं है, और राष्ट्र पर उंगली उठाने वाले सुन लें, राष्ट्र पर उंगली उठाने वाले सुन लें, महाकाल के बेटे हैं नपुंसक नहीं है, महाकाल के बेटे हैं नपुंसक नहीं है। वर्तमान परिवेश में एक प्रश्न और उसका उत्तर सुचारू रूप से बहुत ज्यादा चल रहा है। आज अपन किसी से भी पूछो कि कैसी चल रही है जिंदगी, जीवन कैसा चल रहा है, तो बोलते बस कट रही है। इसका मैं उत्तर एक छंद के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, सुनिएगा कि चार दिन की चांदनी चमकाने के लिए चरित्रहीनों के चित्र को चाटना नहीं है, चार दिन की चांदनी चमकाने के लिए चरित्रहीनों के चित्र को चाटना नहीं है, वीर जो बन के गए आदर्श हमारे लिए अखंड रखना है, उन्हें वो बांटना नहीं है, बच्चे करें अगर गलतियां तो बनो मार्गदर्शक, सिखाओ राह सत्य की डांटना नहीं है, सिखाओ राह सत्य की डांटना नहीं है, और जीवन जीना जरूरी है बहुत महत्वपूर्ण, जियो इसे केवल काटना नहीं है, जीवन जीना है बहुत महत्वपूर्ण, जियो इसे केवल काटना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
नमस्कार।